जय भीम दोस्तों, एक छोटा सा क्लिप आपके लेकर लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो हम लोग SC ST में आते हैं, जो छोटे कास्ट में आते हैं उनके लिए है। और उनका ये अधिकार है, मतलब मूल अधिकार है, और ये अधिकार हमारा संविधान बताता है, और इसको हमको याद रखना है। मतलब हमको समझो कि इसको अच्छी तरह से समझ ही लेना है कि ये क्या है, ठीक है। और ऐसे ऐसे आर्टिकल जो है जो हमारा मूल अधिकार है और हमको बताता है, पर हम लोग है जो नहीं जान पाते हैं। पहले हम भी थे, मतलब हमको भी लगता था कि यार इतना आर्टिकल कौन याद रखेगा। तो गाइस ऐसा बात नहीं है, एक नॉर्मल सा आर्टिकल है, छोटा छोटा याद रखना है, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये वीडियो आपको उन लोगों से शेयर भी करना है, ताकि इन लोगों को पता नहीं चलता है कि इनको क्या, मतलब कौन सा अधिकार है, कि इनको क्या अधिकार नहीं है। गाइस थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो जा रही होगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब आर्टिकल में जो समझाने वाला हूँ, शायद मुझे मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। पर आप लोगों को मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग जो कास्ट में आते हैं, और हम लोग का मूल अधिकार है, ठीक है, और भारत के संविधान में लिखा हुआ है, और बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं, जैसे मैं भी सोचता था पहले, कि यार इतना सारा धारा है, मतलब आर्टिकल है, कैसे याद रखेंगे। और बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो मतलब नहीं याद कर पाएंगे। तो बेसिक सा चीज़ है, आपको आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको आर्टिकल आपको 40 में बताया गया है, कि कानून के बारे में बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 40 में कानून के बारे में बताया गया है, और इसमें यह बोला गया है कि जो कानून है ना, वहाँ पे उनके नज़र में आप सब समान हो, ठीक है। अगर आप जैसे कहीं कोर्ट में जाते हो, कहीं अदालत में जाते हो, तो वहाँ पर ना एक मतलब पुतला होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, वहाँ पे उनकी आंखों पर पहले पट्टी बांधी होती है, और उनके हाथ में इस तरह से तराजू, मतलब तराजू होते हैं, वो रखा होता है। वो बोलता है कि देखो मैं अंधा हूँ, ठीक है, मैं अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं देखता हूँ, मुझे सबूत चाहिए, और सबूत के तौर पर वो कोई काम करता है। अब उसके सामने कोई भी बड़ा भी आदमी, कोई भी बड़ा आदमी है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उसके सामने, उसकी नज़र में समान ही है। अब आर्टिकल 15 में बताया गया, ठीक है, आर्टिकल 15 में बताया गया है कि कोई जाति, धर्म, भेदभाव, और क्या कहते हैं, ओ जन्म स्थान और लिंग, इनके आधार पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बोला जाता है कि तुम भी, मतलब तुम इस कास्ट से, मतलब इस जात से हो, तुम वो जात से हो, और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा पहले होता था, और जिस समय अभी संविधान नहीं लागू था, तब अब संविधान लागू है, तो आपको ये अधिकार आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 में बताया गया है कि आपको ये सब, कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता है, ये उनके खिलाफ है, उनके विरोध है। तो आप किसी जाति के भी ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, उसमें आप कोई अच्छे बात के लिए अगर बोलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बुरे बात के लिए बोलोगे तो आपको ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। आर्टिकल 16 आता है, ठीक है, उसमें भी ये बताया गया है, जो अभी मैंने मतलब 50 बोला है, और 16 दोनों एक ही साथ हो, मतलब इनमें दोनों यही है कि इसमें आप भेदभाव नहीं, मतलब इस पर जाति पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। और 16 में यह है, समानता जाति और लिंग के आधार पर आप नहीं, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 16 और कहते हैं 15 और 16 दोनों एक है। और मेन, ये जो सबसे मेन टॉपिक है वो आपको याद रखने वाली है, आर्टिकल 17 में बोला गया है कि जो छुआछूत वाले जो बातें होती थी पहले, जो होती थी, तो वो इस समय आर्टिकल 17 में लागू हो चुका है। जो उसमें, इसमें आपको ये बताता है कि आप ये मतलब छुआछूत वाला कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं, बता दूँ कि आप कब कर सकते हैं। पहले ये होता था कि अरे इस कास्ट से इसको हटाओ यहाँ पे, अरे वो उस कास्ट से उसको वहाँ पर हटाओ, मतलब छोटा बड़ा भेदभाव उस समय देखा जाता था, ठीक है। तो वो भी इस समय पहले होता था, जब संविधान लागू नहीं था। और अभी का जो बताया गया है कि आप छुआछूत मतलब कब कर सकते हो, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि कोरोना जब आया था, तो उस समय उस मरीज को मतलब आप नहीं छू सकते हैं, क्योंकि उसको बीमारी है, ठीक है। तो ये एक छुआछूत वाली अलग हो गई, लेकिन जो आप कास्ट के सीजन पे कर रहे हो, तो 17 बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप छुआछूत वाली बात आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा साहब को सब गलत, मतलब इनको सब गलत बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ यार कि यार उनको गाली दे रहे हैं जिन्होंने उनको जीना सिखाया है, ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि तुम ना पहले संविधान को पढ़ो। वो अगर उनसे अगर तुमको उनसे एक किताब नहीं पढ़ी जा रही है, तो तुम बाबा साहब कोई छोटा सा किताब पढ़ो, जो तुमको समझ में आएगा कि कितने महान इंसान थे वो। उनकी कहानियाँ छोड़ो, उनकी थोड़ी सी, अब इतनी सी भी आपने कहानी उनका पढ़ ली, तो
अगर इंसान हो गया, अगर आप इंसान हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने किस इंसान को गाली दिया। कभी कभी मेरे कमेंट में भी गाली आने लगती है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये करता है, वो करता है। हंसी आती है मुझे उन लोगों को कि अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं। अंग्रेज़ तो चले गए पर उनके तलवे चाटने वाले आज भी इंसान बचे हुए हैं। तो एक ही बात बोलूँगा कि पहले तुम पढ़ाई करो और समझो उनको, फिर तुम बोलना, ठीक है। मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो ऐसे ऐसे गालियाँ देते हैं, बोलते हैं, और ख़ास करके बाबा साहब को जो बोलते कि क्या किया हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि संविधान का फ़ायदा हम ही लोग उठाते हैं। संविधान का फ़ायदा हम लोग नहीं उठाते, हम लोग आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बात, संविधान जो है ना सब पे लागू है। और ये जो बोलते हैं कि इसको मतलब ख़त्म कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सब अफवाह है, ठीक है। इनको समझो और पढ़ो, फिर उसके बाद इनको मतलब बात जो होती है हमको बताना, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी मतलब मैंने क्लिप बताया था जो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना ताकि मेरे जो कास्ट के लोग हैं उनको ये पता अच्छे से चल जाए कि हमारा मूल अधिकार क्या है, ठीक है। ये मूल अधिकार में आता है और इनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।